हमारी स्पेशल सीरीज इतिहास के पन्नों में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे इंडियन क्रिकेट की बड़ी ही कलरफुल पर्सनालिटी की। इंडियन टेस्ट हिस्ट्री के ये पहले सेंचुरियन हैं, आजाद भारत के पहले कप्तान। इन्हीं की कप्तानी में इंडियन टेस्ट टीम ने पहली टेस्ट सीरीज जीती भी। साथ ही साथ अगर मैं आपको ये बताऊं कि पहला विवाद जो भारतीय क्रिकेट में हुआ था उसमें भी ये इन्वॉल्व थे, तो आप जरूर इनके बारे में और ज्यादा जानना चाहेंगे। हम बात कर रहे हैं 11 सितंबर 1911 को जन्मे नानक अमरनाथ भारद्वाज, जिन्हें सब जानते हैं लाला अमरनाथ के नाम से। वो लाला जी थे और वो शख्सियत थी, क्योंकि वो इस तरह के इंसान थे जो हमेशा से रेबेल के तौर पर गिने गए, मतलब आप कह लीजिए एंटी एस्टैब्लिशमेंट के तौर पर गिने गए, और अपनी गेम के बूते वो बड़े होते रहे। वो पंजाबी थे, पटियाला से आते थे, और पंजाब में जो बुज़ुर्ग लोग होते हैं ना, जो मतलब जो बड़े समझदार लोग होते हैं, उनको लाला जी कहा जाता है। तो उनका नाम लाला अमरनाथ तो था ही, लेकिन लाला जी के नाम से वो इसलिए मशहूर होते रहे क्योंकि लोग उनको हमेशा इंडियन क्रिकेट की सबसे बड़ी शख्सियत के तौर पर जानते थे। विजय मर्चेंट और लाला अमरनाथ, ये दो इतनी बड़ी शख्सियतें थी, मतलब मैं 70s 80s तक आपको बता रहा हूँ कि तब तक लाला जी ने ये कह दिया, लाला जी ने ये बोल दिया, उससे बड़ी बात नहीं होती थी। लाला जी ने अगर कह दिया यार ये प्लेयर बहुत बड़ा है, तो वो पत्थर की लकीर है। और दूसरी, उनकी जो गेम की समझ थी, न सिर्फ खुद के लिहाज से बल्कि जिस तरह से आगे चलकर उनके बच्चों ने क्रिकेट खेली, तो लोग उसका श्रेय भी लाला जी को ज्यादा देते हैं। लाला अमरनाथ बल्ले के साथ साथ गेंद से भी बहुत कारगर थे। इनफैक्ट द ग्रेट सर डॉन ब्रैडमैन टेस्ट क्रिकेट में, टेस्ट हिस्ट्री में सिर्फ एक बार हिट विकेट हुए हैं, और उन्हें हिट विकेट करने वाले गेंदबाज भी लाला अमरनाथ ही थे। पर बात करते हैं उनके डेब्यू की, और उस डेब्यू की इनिंग्स में जो उन्होंने 100 बनाया था भारत की टेस्ट हिस्ट्री में, पहले वो सेंचुरियन बने थे। मुकाबला था इंग्लैंड की टीम से घर पर, और कप्तानी कर रहे थे इंग्लैंड की डगलस जार्डीन, वही डगलस जार्डीन जिन्होंने बॉडीलाइन सीरीज में इंग्लैंड की कप्तानी करी थी। इंग्लैंड की टीम काफी मजबूत टीम थी, और सेकेंड इनिंग्स में लाला अमरनाथ ने बहादुरी, जिसे कहते हैं ब्रेव इनिंग्स खेलते हुए, भारत टेस्ट मैच में काफी पिछड़ चुका था और लग रहा था कि इनिंग्स डिफीट भी हो सकती है, लेकिन लाला अमरनाथ खड़े हुए एक शानदार इनिंग्स खेली, और जिन लोगों ने वो इनिंग्स देखी थी उन्होंने काफ़ी तारीफ की। 15-18 दिसंबर बॉम्बे जिमखाना में ये मैच खेला गया था, और अगर आप आई विटनेस अकाउंट्स सुनेंगे, और अभी भी वसंत राय जी जिंदा हैं, वो 100 ईयर्स क्रॉस कर चुके हैं, और वो सामने सोफा में बैठ के ये मैच उन्होंने देखा था। और मेरा बहुत सारे मीटिंग में वसंत राय जी से जब बातचीत हुआ, तो उन्होंने कहा कि लाला अमरनाथ का वो जो इनिंग्स था वो फैंटास्टिक इनिंग्स था, क्या एग्रेसिव बैट्समैनशिप था लाला अमरनाथ का, और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इनिंग्स, एंड एट दैट पॉइंट सो ही वाज द फर्स्ट सेंचुरियन। अपने डेब्यू पर शतक जमाने वाला बल्लेबाज भारत की तरफ से अगली सीरीज नहीं खेला। उस दौरे पर लाला अमरनाथ तो गए थे, लेकिन दौरे से वापस भेज दिए गए थे। बात कर रहे हैं हम 1936 का इंग्लैंड दौरा, और एक वजह थी कप्तानी, क्योंकि कप्तान को लेकर टीम दो हिस्सों में बटी हुई थी। महाराज कुमार ऑफ विजयनगरम विजी कप्तान थे, और क्रिकेटिंग स्किल्स पर वो उतना ज़्यादा कप्तान नहीं थे जितना कि वो राजघराने से आते हैं, इस वजह से थे। इसको लेकर टीम बटी हुई थी, जिसमें लाला अमरनाथ उनके ऑपोजिट कैंप में थे, और ये वाक्या पूरा हुआ था एक काउंटी मैच के दौरान, जहां पर लाला अमरनाथ कमर में थोड़ी दिक्कत की वजह से जूझ रहे थे। लाला अमरनाथ को कप्तान कहते हैं पैड करने के लिए, लेकिन जब बल्लेबाज आउट होते हैं तो लाला अमरनाथ से पहले 2-3 बल्लेबाज और भेज दिए जाते हैं। लाला अमरनाथ जब बल्लेबाजी करने गए और आउट होकर वापस आए, तो उन्होंने बड़े अग्रेसिव टोन में कप्तान से कह दिया, मैं सब समझ रहा हूँ ये हो क्या रहा है, जो कप्तान को बिल्कुल नहीं गवारा था। अमरनाथ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग आदमी थे, आई मीन बहुत ही इंटरेस्टिंग कैरेक्टर थे। अगर आप सोचें 1936 में अमरनाथ को वापस भेज दिया गया था बाय द कैप्टन महाराज कुमार ऑफ विजयनगरम, और ये वापस, ये जो वापसी का कहानी है, ये भारतीय क्रिकेट का फर्स्ट मेजर कंट्रोवर्सी कहा जाता है, क्योंकि विजी देखिए उतना अच्छा क्रिकेटर तो थे नहीं, बट वो रॉयल थे, और तब राज का ज़माना था। अमरनाथ को सीके नायडू का आदमी माना जाता था, और इसीलिए डिस्क्रिमिनेट किया जाता था, और टीम का सबसे बेहतर खिलाड़ी इन द 1936 सीरीज तो लाला अमरनाथ ही थे, और उनको बार 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 इंसल्ट किया गया, ह्यूमिलिएट किया गया, सो मच सो कि एक दिन उनका ही हैड एन आउटबर्स्ट, और बेस्ड ऑन दैट उन्होंने अपना पैड, अपना बैट ड्रेसिंग रूम में फेंक दिया, और विजी ने कहा और मैनेजर ब्रिटन जोन्स ने कहा कि अमरनाथ ने गाली भी बख्शी, सो बेस्ड ऑन दैट उनको वापस भेज दिया गया। लाला अमरनाथ के तीसरे और चौथे टेस्ट मैच में फासला था 12 साल का। एक तो डिसिप्लिनरी एक्शन की वजह से उन्हें घर भेज दिया गया था, साथ ही साथ बीच में वर्ल्ड वॉर भी आ गया था। अब उसके बाद दौरा था इंग्लैंड का। लाला अमरनाथ हालांकि डोमेस्टिक सर्किट्स में, भारत में डोमेस्टिक क्रिकेट खेल रहे थे लगातार, और उनका रिकॉर्ड आउटस्टैंडिंग है बतौर बल्लेबाज, बतौर गेंदबाज, लेकिन 1946 में जो टीम इंग्लैंड गई
उसमें लाला अमरनाथ की भूमिका बतौर गेंदबाज ज़्यादा अच्छी लगी। अब गेंदबाजी स्किल्स उनकी शायद ज़्यादा बेहतर थी उनकी बल्लेबाजी से, लेकिन बल्ले से भी उनका कमाल अभी जारी था। 1947 में बतौर कप्तान आज़ाद भारत के पहले कप्तान लाला अमरनाथ की टीम ऑस्ट्रेलिया जाती है, जहां पर न रिजल्ट्स फेवर में थे न लाला अमरनाथ की परफॉर्मेंसेस फेवर में थी, लेकिन एक टूर गेम के दौरान विक्टोरिया के अगेंस्ट लाला अमरनाथ ने जड़ दिए 228 रन, ये बताते हुए कि अभी भी उनकी बल्लेबाजी में कितना दम है। उनकी बल्लेबाजी देखकर नील हार्वे, द ग्रेट नील हार्वे का कहना था कि लाला अमरनाथ से बेहतर कवर ड्राइव क्रिकेट की दुनिया में मैंने किसी की भी नहीं देखी। नील हार्वे अपने आप में एक मैजिकल मर्क्यूरियल प्लेयर थे। जब आप नील हार्वे बोलेंगे, आप आंख बंद करके बोलिए, वो म्यूजिक टू द ईयर्स वाली बात होती है। एक सर डॉन थे, सर डॉन ब्रैडमैन तो ऑब्वियसली बहुत ही बड़े थे, लेकिन अगर ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट में आप देखें तो नील हार्वे का नाम बहुत बड़ा था। बहुत बड़े खिलाड़ी भी थे, और जो बड़ा खिलाड़ी होता है, खासतौर से वो खिलाड़ी जिसने विश्व में अपनी जिसकी तूती बोलती हो, हमेशा उसकी समझ की बहुत तारीफ होती है कि जी इसने तो सब कुछ देखा है, इसने डॉन ब्रैडमैन को भी देखा है, इसने इसको भी देखा है, इसने उसको भी देखा है, ये अगर कह रहा है तो फिर ये बहुत बड़ी बात होती है। और नील हार्वे का स्टैचर, जैसे मैंने कहा, आज भी जिंदा है। नील हार्वे आज भी, अगर आप पीछे ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट लेगेसी देखें, ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट इतिहास देखें, ही विल बी वन ऑफ द टॉप 10 क्रिकेटर्स इन ऑस्ट्रेलिया। होता क्या है कि जैसे जैसे वक्त बदलता रहता है, जनरेशन बेहतर होती रहती हैं, उनसे बेहतर बैट्समैन आते रहे, उनसे बेहतर खिलाड़ी आते रहे, लेकिन उस वक्त जो नील हार्वे थे वर्ल्ड क्रिकेट में, उनकी स्टैंडिंग इतनी ज़्यादा थी कि या तो सर डॉन ब्रैडमैन ने कुछ बोला है या फिर नील हार्वे ने। विवादों के साथ लाला अमरनाथ का रिश्ता चोली दामन जैसा था, और 1948-49 में एक बार फिर से लाला अमरनाथ को टीम से ड्रॉप कर दिया गया था, क्योंकि वो अपने ही बोर्ड से उलझ बैठे थे। बोर्ड सेक्रेटरी थे एंथनी डिमेलो, जिनसे वो इस बात को लेकर उलझे कि उनकी टीम को उस तरीके से ट्रीट क्यों नहीं किया जाता जिस तरीके से विदेशी टीमों को, विजिटिंग टीम्स को किया जाता है। इस दोहरे व्यवहार से लाला अमरनाथ खुश नहीं थे, जिसका खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ा और टीम से एक बार फिर लाला अमरनाथ ड्रॉप हो गए। और एक कंट्रोवर्सी में वो जुड़ गए जब 1949 में डिमेलो, वो बीसीसीआई का जो सेक्रेटरी थे, उनके साथ अमरनाथ का झगड़ा, वो सस्पेंड भी हो गए जब ये कहा गया कि अमरनाथ ने, देयर इज अ ब्राइबरी स्कैंडल, आई मीन, और ये स्कैंडल लेके बहुत बहुत झगड़ा हुआ बीसीसीआई के अंदर में, और अमरनाथ दोबारा, यू नो, एट दैट पॉइंट इन टाइम गॉट सस्पेंडेड। हिज एज आई सेड, हिज करियर वाज कलरफुल एंड इट जस्ट डिड नॉट सीम टू एंड। बोर्ड में एंथनी डिमेलो की पोजीशन कमजोर होने के बाद 1952 में बतौर कप्तान लाला अमरनाथ ने एक बार फिर से टीम में वापसी की, और ये साल शायद इंडियन क्रिकेट के साथ साथ लाला अमरनाथ के करियर का सबसे बड़ा, सबसे बेहतरीन, सबसे यादगार साल रहा। सबसे पहले भारतीय टीम ने टेस्ट हिस्ट्री में पहली जीत दर्ज की इंग्लैंड के अगेंस्ट। वो सीरीज ड्रॉ रही, जो भारत की टेस्ट हिस्ट्री की पहली ड्रॉ सीरीज है। उसके बाद पाकिस्तान के अगेंस्ट पहली बार भारतीय टीम टेस्ट मैच जीती और टेस्ट सीरीज भी जीती। उनका करियर का फाइनल जो करियर का मोमेंट था, वो था 1952, और अगर आप 1952 देखें, भारत और पाकिस्तान जो पहला सीरीज था, अमरनाथ हमारे तरफ से कैप्टन थे और पाकिस्तान के तरफ से अब्दुल हफीज़ कारदार, जो भारत के लिए खेला करते थे पार्टीशन के पहले, वो कैप्टन थे, और वो सीरीज़ में भारत ने पहली बार पाकिस्तान से हमारा मुकाबला हुआ, हम जीते, और अमरनाथ को ये श्रेय जाता है कि यू नो ही लेड इंडिया इन दैट सीरीज़ टू द विक्ट्री। एंड देयर इज़ अ ग्रेट स्टोरी, अब्दुल हफीज़ कारदार और अमरनाथ एक साथ ऐसे बैठे थे, और जो अंपायर थे वो पीछे से दरवाज़ा खोले, अमरनाथ पीट करके बैठे थे दरवाजे की तरफ, वो आके अब्दुल हफीज़ कारदार से कहा कि हाँ मैं देख लूँगा। अमरनाथ जब घूम के देखे तो वो चकित हो गए कि अंपायर आके अब्दुल हफीज़ कारदार से ये कह रहे हैं। सो दैट वॉज द काइंड ऑफ अंपायरिंग एट दैट पॉइंट इन टाइम। बट एज आई सेड, व्हाट अ कैरेक्टर लाला अमरनाथ वॉज, वन ऑफ द गोल्डन ग्रेट्स ऑफ इंडियन क्रिकेट। आज हम क्रिकेटिंग सेंस, क्रिकेटिंग नॉलेज की बहुत ज़्यादा बात करते हैं, और लाला अमरनाथ की बात करें तो क्रिकेटिंग सेंस हो या क्रिकेटिंग नॉलेज हो, इसके मास्टर थे, और इसका एग्जांपल है साल 1959-60। क्रिकेट लाला अमरनाथ छोड़ चुके थे, लेकिन वो क्रिकेट में एक्टिव हमेशा रहे, बतौर मैनेजर, बतौर कोच, बतौर सेलेक्टर, बतौर कमेंटेटर। और 1959-60 में लाला अमरनाथ भारतीय टीम के सेलेक्टर थे, जहां पर कानपुर में ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट एक मैच था। पिच देखकर, पिच रीड करके उन्होंने फैसला लिया कि जसू पटेल को मैच में खिलाया जाएगा। जसू पटेल जो एक ऑफ स्पिनर थे, उस मैच में उन्होंने 14 विकेट ली और भारत ने टेस्ट इतिहास में पहली बार ऑस्ट्रेलिया को हराया। उनको कहते थे कि वो जौहरी हैं और वो हीरे की परख जानते थे। आप बात कर रहे हैं खिलाड़ियों की परख, जैसे मैंने कहा, फिर लाला जी ने कह दिया ना कि ये प्लेयर अच्छा नहीं है, तो एक ज़माना था जब उस प्लेयर के आगे काटा लग जाता था, नहीं यार लाला जी ने कहा है।
लाला जी की क्रिकेट की समझ भी, क्योंकि लाला जी ना तो मैसूर और कर्नाटका से आते थे, ना ही वो मुंबई से आते थे जो कि उस टाइम पे गढ़ थे, वो आते थे पंजाब से, सदर्न पंजाब होता था दरअसल, पटियाला को सदर्न पंजाब कहते थे, और वो अपनी गेम के बूते खेलते रहे, उनकी समझ, विजय मेहरा करके भारत के खिलाड़ी थे, इनफैक्ट उनका वर्ल्ड रिकॉर्ड था यंगेस्ट इंडियन जो कि टेस्ट क्रिकेट खेले, बाद में मरिंदर सिंह ने रिकॉर्ड तोड़ा, फिर चेतन शर्मा, सचिन तेंदुलकर, और उन्होंने वेस्ट इंडीज़ के दौरे भी किए थे, तो वो बताते थे कि दुनिया विकेट देखती है ना जिस अंदाज से, हमें तो लाला जी ने अलग ही तरह से सिखाया था। भाई आप भी देखते हैं, पिच रिपोर्ट होती है, वो देखते हैं तो वो विकेट को हाथ लगाते हैं, विकेट ठोस है कि नहीं है, वो कहते हैं विकेट पर मत देखो। लाला जी ने ये बताया था कि जहाँ पर विकेट गाड़ते हैं, जो तीन विकेट्स लगती हैं और उसमें जो एक तरह से मोरी छेद किया जाता है वो काफ़ी नीचे तक जाता है, तो कहते हैं लाला जी बताते थे कि हमेशा अगर विकेट देखनी है तो आप वहाँ पर जाएँ, वहाँ पर अपनी उंगली डालकर देखें, क्योंकि जब आप विकेट पर देखेंगे आपको विकेट थोड़ी हार्ड दिख सकती है, लेकिन जब आप जो मोरी हो चुकी है वहाँ जाकर देखेंगे तो आपको उंगली से ये पता चलेगा कि मॉइस्चर कितना है, कितनी नीचे मॉइस्चर है, तो वहाँ से उनकी गेम पकड़ने की समझ डिफरेंट थी। वो कहते हैं कि वो कंडीशंस को बड़ा अच्छा जानते थे कि ऑस्ट्रेलियन कंडीशंस के लिए कौन सा बैट्समैन चाहिए, ऑस्ट्रेलियन कंडीशंस में कौन सा बॉलर चाहिए। 1952 लाला अमरनाथ के क्रिकेट करियर का सबसे यादगार साल तो था ही, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में वो उनका आखिरी साल भी था। 5 अगस्त 2000 को 88 साल की उम्र में लाला अमरनाथ का निधन हो गया, लेकिन भारतीय क्रिकेट को लाला अमरनाथ ने बहुत कुछ दिया है, और उन बहुत कुछ चीज़ों में से तीन चीज़ें ऐसी हैं, उनके तीनों बेटे मोहिंदर अमरनाथ, सुरेंद्र अमरनाथ और राजेंद्र अमरनाथ तीनों फर्स्ट क्लास क्रिकेटर थे, जिनमें से सुरेंद्र अमरनाथ ने भी टेस्ट डेब्यू पर 100 बनाया था, जो उनको ओनली फादर सन डुओ बनाता है टेस्ट क्रिकेट में डेब्यू पर 100 बनाने वाला। शायद एक श्राप था जो भारतीय क्रिकेट का उन्हीं से शुरू हुआ दरअसल, कि जितने डेब्यूटांट्स थे, मतलब जो अपने पहले टेस्ट मैच में जिन्होंने 100 बनाया था इंडिया से, वो एक ही 100 बनाया, वो एक मतलब बहुत बुरा रिकॉर्ड था। उसके बाद कई प्लेयर वो आगे चलता रहा, पहले टेस्ट मैच में 100 बनाया, फिर उसके बाद जिंदगी में 100 नहीं बनाया, वो जाकर तोड़ा अगर किसी ने गुंडप्पा विश्वनाथ ने। हालांकि जैसे आपने खुद बताया, मोहिंदर अमरनाथ और सुरेंद्र अमरनाथ दोनों बेटे उनके जो टेस्ट क्रिकेट खेले हैं, उनमें से सुरेंद्र अमरनाथ लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन थे, उन्होंने अपने पहले मैच में 100 बनाया था, तो ये फादर सन डुओ उन्होंने अपने अपने पहले मैचों में 100 बनाया। इनफैक्ट सुरेंद्र अमरनाथ से पहले विश्वनाथ बना चुके थे, फिर दूसरा तीसरा वो 100 बनाया, सुरेंद्र अमरनाथ का भी दूसरा 100 नहीं। ये एपिसोड आपको कैसा लगा, लाला अमरनाथ की कहानी आपको कैसी लगी, कमेंट सेक्शन में अपना ज़रूर फीडबैक दें। ऐसी ही अगर आप और स्टोरीज चाहते हैं तो मुझे सोशल मीडिया के जरिए ज़रूर बताएं। स्पोर्ट्स तक को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन की घंटी बजाएं।